हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सैटरडे था, फेबो की छुट्टी है, वो भी घर पे है, बहुत बदमाशी कर रहा है। और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, वो भी घर पे हैं। तो देन मैं सोची कुछ चटपटा या कुछ अच्छा बनाती हूँ और वो ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ प्याज के पकौड़े और आलू के पकौड़े, साथ में कुछ चटनी। तो चलिए मैं आज वो ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने किचन की ओर बनाने के लिए। यहाँ पे मैं ली हूँ कटे हुए प्याज, उसके ऊपर थोड़ी हरी मिर्च है। यहाँ है पटेटो, जिसकी ऐसी स्लाइस हम लोगों ने काट लिया है। यहाँ है बेसन, ये है आपको लहसुन का, मतलब मैंने कूच लिया है, पेस्ट नहीं बनाई हूँ मैं। ये है चावल का आटा, नमक, मिर्ची, हल्दी, अजवाइन। और यहाँ मैं थोड़ा पानी ली हूँ पकौड़ी को मैं एक दूसरे में मिक्स करने के लिए। अब मैं लेती हूँ यहाँ पे एक बाउल। अब पहले तो मैं इस आलू की आपको पकौड़ी बना के दिखाती हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे बेसन को घोलना पड़ेगा। मैं ये बाउल में अपना बेसन डाल दी, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये अपना चावल का आटा। चावल का आटा हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पकौड़ी आपकी क्रिस्पी बनेगी इससे। ये नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करें। हल्का खाते हैं तो हल्का, तेज खाते हैं तो आप तेज मिक्स कर सकते हैं। मैं अभी इसमें मिक्स कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं, तो आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। ये है हल्दी पाउडर, अजवाइन, ये सारी चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ पानी। पानी को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिए, कहीं ऐसा ना कि आपको बेसन गीला हो जाए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। पहले इस बिल्कुल अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर लीजिएगा आपको। ये अच्छे से अभी मिक्स हो रहा है। अब मैं इसके अंदर और पानी ऐड करूंगी कि बिकॉज ये बहुत गाढ़ा है, पकौड़ी के लिए इतना थिक नहीं रहना चाहिए। टेक्सचर ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, आलू में चिपकना चाहिए, ऐसा टेक्सचर आपको रखना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए ताकि ये आपके इस आलू के स्लाइस में ये बेसन का कोटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। पतला रखेंगे तो ये बह जाएगा और कोटिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो ये मेरा हो गया बेसन घुल के रेडी। अब मैं इसको तल के दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल अंदर ले चुकी हूँ और इतना क्वांटिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपका पकौड़ी थोड़ा अच्छे से डिप हो जाए अंदर। बस इतना रखना है लेयर, वो डिप नहीं होगा तो अच्छा बनेगा नहीं। तेल मेरा होने लगा है गरम, मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लेम को मैं थोड़ा स्लो कर लूँ क्योंकि तेल मेरा गर्म हो गया है। ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। देखिए मेरा आलू बिल्कुल बेसन की कोटिंग को अच्छे से ले लिया है। देखिए तेल हो गया गरम, मैं पकौड़ी को डाल रही हूँ अंदर।
ये आप देख सकते हैं मेरी पकौड़ी किस तरीके से फूल रही है। ये है आपको परफेक्ट पकौड़ी बनने का एक निशानी। मैं आपको बताती हूँ जिस पकौड़ी अच्छे से फूल जाती है समझिए पकौड़ी परफेक्ट बनी है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। अब मैं इसको पलट रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। थोड़ा मैं इसको लो फ्लेम पे होने देती हूँ ताकि मेरा आलू अंदर से अच्छे से कुक हो जाए, वरना बेसन का लेयर कुक हो जाएगा, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और आलू कच्ची रह जाएगी। तो आप एक बार इधर देखिए, मैं इसके अंदर ली हूँ टमाटर काट के, थोड़ा अदरक, हरी मिर्च और धनिया। मैं इसकी चटनी बना रही हूँ और नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं अपना नमक ऐड कर ले रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसको पीस लेती हूँ बिल्कुल बारीक। ये देखिए मेरी चटनी पिस गई है, मेरी पकौड़ी भी रेडी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, बिल्कुल सारी पकौड़ी देखिए फ्रेंड्स फूली हुई है। अब मैं आपको फटाफट से इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। देखिए सारी पकौड़ी बराबर से, अब इसकी फटाफट से प्लेटिंग करूंगी। तो मेरी पकौड़ी हो गई है रेडी। अब मैं इसको पहले तेल में से ड्रेन कर लेती हूँ बिल्कुल अच्छे से पहले इसको, फिर मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी प्लेटिंग। ये देखिए आवाज़ सुन रहे हैं कितना क्रिस्पी बना है, क्योंकि मैं आपको पास से सुनाती हूँ इसकी आवाज़। आप चावल का आटा डालेंगे तो आपकी पकौड़ी बहुत क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए पकौड़ी रेडी है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जो मैं आलू के पकौड़ी के लिए बेसन घोली थी उसी में मैं प्याज और मिर्ची ऐड कर रही हूँ अब उसी घोल में। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी हाथ से मिक्स। बेसन के पकौड़ी को कभी भी, अरे सॉरी, प्याज के पकौड़ी को कभी भी आप चम्मच से मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप चम्मच से डाल देंगे ना तो इकट्ठा हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। और प्याज की पकौड़ी को कभी ऐसे इकट्ठा कर करके ना उसको फैला के डालना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखिए अब इस तरीके का वो बन गया है। अब मैं इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डालूँगी, इसको तेल के अंदर डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से डालना है फैला फैला के। स्लो करके तेज हो गया है। इसको पलटती हूँ। हल्का गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, सेजवान चटनी के साथ, किसी चीज से भी साथ खा सकते हैं और बारिश के दिनों में तो ये बहुत अच्छी लगती है। आज हमारे यहाँ वेदर बारिश जैसा हो रखा है। तो इंस्टेंट प्लान बना पकौड़ी बनाने का। पकौड़ी देखिए मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। पकौड़ी को आप अच्छे से ब्राउन करिएगा हल्का, तो ही वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा अच्छे से। ये देखिए
अब मैं इसकी करती हूँ प्लेटिंग। तो देख सकते हैं, ये है मेरी प्याज की पकौड़ी और ये है मेरी आलू की पकौड़ी। ये देखिए कितना फुला हुआ और क्रिस्पी बना है। ये देखिए बहुत खाने में डिलीशियस लगता है। अगर ऐसी ऐसी आप अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। ये है अनियन की क्रिस्पी, साथ में मेरी चटनी है।